ये लड़के आज ऐसे खेल रहे हैं जैसे इनकी ईद है यार। ये बहुत खतरनाक है, मुझे पता नहीं था ये इधर भागो जनाब भागो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत सर्द भरी सुबह के साथ, और हमारे साथ रहिए, देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं, साहब सबको दिखाते भी जाएंगे, तो चले चलते हैं। ये लड़के आज ऐसे खेल रहे हैं जैसे इनकी ईद है, आज धूप निकली है ना तो सारे मज़े ले रहे हैं, कहते हैं ऐसे दिन फिर नहीं रहने लगे, सारे मिलके इधर गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा खेल रहे हैं। आप लोगों को मैं मेन कमरा दिखाता हूँ हमारे बेड का, जो सबसे मेन है, ये सबसे बड़ा कमरा है, ये हम यूज़ करते हैं जब फुल, मतलब गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मी तो इधर होती नहीं है, जब फुल सर्दियाँ होती हैं तो इधर हम आग लगाते हैं। इसके साथ एक और ये है, लाइट है नहीं तो इस वजह से आपको शायद नज़र ना आए, इधर आग लगाते हैं, फिर ऐसे आग लगा के इधर बैठते हैं, फुल गर्म रहता है, फिर मेहमान आते हैं, हम खुद इधर बैठे रहते हैं पूरा दिन, मज़े दोस्त वगैरह प्रोग्राम वगैरह बहुत, मतलब आराम से, फिर सर्दियाँ फील नहीं होती, बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह बस सफाई सफाई होगी इसकी, इसको यूज़ में लाएंगे आप इंशाल्लाह। हम एक न्यू जगह बना रहे हैं, ये काम कंप्लीट हो जाए ना जब पूरा, तो फिर इंशाल्लाह सारा विज़िट फिर इसका करेंगे, इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये तो बहुत मुझे लग रहा है 4-5 साल ही लगेंगे इसको मुकम्मल होने में, अभी तो 20% भी नहीं हुआ, इंशाल्लाह जब होगा ना फिर पूरा करेंगे। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा जो रूम है ना उसकी विंडो से ये वाला व्यू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो माशाल्लाह बोल देना। ये नीचे नदी है और ऐसा व्यू है बस, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो भाई साहब मुझे तो अभी पता चला है, रात को मैं सो रहा था तो पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो ज़्यादा बारिश की वजह से हमने एक ये बाग ना, ये पूरा ये घर है, ये सारा ये इधर ये इस साइड पे सारा घर है, ये बाग है, तो हमने ये कोने पे एक सेफ़्टी के लिए एक रूम बनाया था, सेफ़्टी के लिए, मतलब इंसान है हर तरह के वक्त आ सकते हैं, तो हमने सेफ़्टी के लिए बनाया था। एक दो और भी है उस साइड पे भी है, एक ऐसे चारों तरफ है, तो ये कच्चे इसलिए बनाए थे क्योंकि सर्दी होती है, गर्म ठंडे तो फिर अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन ये रात को गिर गया ये रूम, ठीक है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि ये देखें अभी भी गीले हैं ये, तो वो बारिश ज़्यादा हुई थी ना कि कोई इसमें सो नहीं रहा था, वरना तो अल्लाह का करम है, बस जो भी होता है सही होता है। फिर मैं सुबह उठा तो ये सारा लोग आए थे, उन्होंने साफ साफ कर लिया था, सामान सामान निकाल लिया, इतना कुछ सामान था नहीं, बस ये 2-3 चीज़ें थी, तो बस जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह का शुक्र हर चीज़ में। कि मतलब वो कमज़ोर थी, मतलब सख्त नहीं थी, सख्त नहीं बनाया था, हर साल मतलब सर्दियों से आने से पहले हम उनकी मरम्मत करते रहते हैं, लेकिन जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है ये तो छोटी सी। ये ट्यूबवेल है, ठीक है, तो पता नहीं पानी सही से नहीं आ रहा था, तो कम कम आ रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं कोई फिर से पाइप शाइप ना निकल गया हो ना, हम देखते हैं जो भी होता है। यार ये किधर से आ गया, चलो कोई नहीं, ओयो शिट यार ये तो बंद है, चाबी लाना मैं भूल गया, चलो मैं चाबी ले गया आता हूँ ना, तब तक फिर देखते हैं इसको। यार ये बहुत ख़तरनाक है, मुझे पता नहीं था ये इधर से आ रही थी ना, ठीक है, मुझे क्या पता था इसके बच्चे इधर घूम रहे, मतलब आवाज़ आ रही मुझे नहीं, इतने करीब है, मैं एकदम से ऐसी हुआ तो इसको लगा कि मेरे बच्चों का नुकसान हो, एकदम से इसने मेरे पर अटैक किया, ये बहुत दी गई माँ है ना, फिर बच्चों से तो प्यार करती है ना, बेशक जो भी है जिसमें भी जानवर की शक्ल में इंसान की शक्ल में, माँ तो माँ होती है। यार ये इसका एक बच्चा है ना, ये उससे दूर रह गया है, इसको उस तक पहुंचाते हैं, वो इस साइड पे गई है और ये इधर है, किसी 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 इसको तो मैं पहुंचा के ही रहूँगा, ये देखो वो आ रही है, माँ की आवाज़ इसने सुन ली है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, किधर गया, ओए वो देखो 1 सेकंड में पहुँच गया उधर। यार को एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, मतलब बैठक है, फिर इसके अंदर घर है, ये दूसरों का, हमारे साथ जो रहते हैं उनका घर है, इनकी ये वाली जगह जो देख रहे हैं आप लोग, ये इन्होंने ये रखी है ये मुर्गियों वगैरह के लिए ना, तो पहले ये 8-9 साल पहले जब हम छोटे थे तो ये बड़ी थी ना, ये तकरीबन इतनी थी, और इनके ना बाग में, ये इनका बाग है, मैं क्या बाग में इतने खूबसूरत खूबसूरत अनार होते हैं ना, तो हम क्या करते इधर से अंदर चले जाते थे, अनार तोड़ के फिर इधर रख देते थे, फिर बाहर निकल के ऐसे निकाल लेते थे, तो एक दफ़ा हम ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है,
एकदम से जिनका ये है ना, तो वो उनको पता लग गया कि इधर कोई है, ठीक है। वो क्या होगा, वो इधर से ऐसे आ गया हम, ठीक है, कि उनको पता था ये इधर से निकलना है। इधर से ऐसे आए हैं, हम तीन बने थे, एक चला गया था, मैं आधा गया था, आधा नहीं, तीसरा इधर खड़ा था। जब वो आया ना एकदम से, वो तो रह गया अंदर वाला, मैं आता था एकदम से पीछे वाला, कहता ओए भागो भागो, मैं सीधा निकल के इधर अंदर चला गया। वो जो था वो ऐसे भाग गया जो, हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, वो एक अंदर रह गया, ठीक है, एक इधर भाग गया, मैं आधा था सीधा निकल के इधर आके गेट मैंने बंद कर दिया। अब वो जो तीसरा बंदा है ना, वो अब इधर से हमें आवाज़ें दे रहा है, कहते आओ ना जल्दी आओ ना, बहुत मज़े के हैं, आ जाओ बहुत बड़े बड़े, आ जाओ। हम बताते ही नहीं। अब ये जो बंदा है ना, ये चुपचाप कुछ भी नहीं कहता, इसने ये भी ये वो भी इधर से अंदर चला गया। अब वो उधर दरख्त पे चढ़ा हुआ था, कहते हाँ ये पकड़ो पकड़ो, उसको लगा ये हम है, ठीक है, कहते हाँ मेरा पुत्र, हाँ दो दो। जब उसने देखा है ना, पता है उस, वो इतना डरा हुआ था, लिटरली डरा हुआ था। ये जो जगह है ना, ये मतलब हमारा बैठा क्या है ना, ये इधर अब इनकी दीवार लगती है, ये जो साथ साथ ये है ना, ये अनार के हैं ये। तो वो उस वक्त तो बड़े थे, ठीक है, अभी पता नहीं इन्होंने काट दिया क्या होता। उसने एकदम से छलांग मारी है इस दीवार पे, दीवार से उसने छलांग मारी है नीचे डर की वजह से, ठीक है, ये तो नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो यार वो मैं याद करता ना अभी, हाँ, तो जब भी आज भी हमें वो देखते ना, मैं वो किस्सा बताते हैं, कहता है यार वो जो तीसरा बंदा ना, वो बहुत फिल्म हुई थी वो, जब हम मुझे भी याद हम बहुत हंसते हैं, मतलब यार रात के 12 बज गए हैं, तो बस सोने का टाइम है, सारी लाइटें शाइटें बंद कर देते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं। जो सर्दी ऊपर से, यार आज तो बहुत सर्दी है, भागो जनाब भागो। तो बस सब सोते हैं, आप लोग भी सो जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और इंशाल्लाह हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।